दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है करोड़ों दोस्तों मोबाइल यूजर्स के लिए, सबसे बड़ी खबर है, खास करके थोड़ी पॉजिटिव न्यूज इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल सारी की सारी कंपनी खास करके एयरटेल और वीआई बहुत जल्दी 200 टैरिफ को हाइक करने वाले दिसंबर से पहले। और कंपनियों की डिमांड है, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और जियो, दोस्तों इन कंपनियों की डिमांड है कि सबसे पहले भारत के अंदर एक बेस प्राइस हो जाना चाहिए, फ्लोर प्राइस आ जाना चाहिए। यस दोस्तों, अभी जो डेटा आपको 4-5-6 रुपए मिलता है ना, इसको 35-35 रुपए तक करने की दोस्तों वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की डिमांड है। और अगर ऐसा होता तो आपका जो मंथली प्लान है वो 5 गुना तक महंगा होता हुआ नजर आएगा। और ये गेंद अभी तक थी दोस्तों डीओटी और ट्राई के हाथ में, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर निकली है कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने फ्लोर प्राइस को कैंसिल कर दिया, इनका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब फिलहाल आपको फ्लोर प्राइस देखने को नहीं मिलने वाला, आपके प्लान फ्लोर प्राइस के हिसाब से 5 गुना महंगे नहीं होने वाले। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या कंपनी आप रेट हाइक नहीं करेगी, क्या आपका प्लान 5 गुना महंगा नहीं होगा, कंपनियों की जो बिगड़ती हालत है वो कैसे सुधरेगी, इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल हमारे भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफ है जियो, जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं, उसके पॉकेट्स डीप है, पैसा बहुत है। दूसरी तरफ है एयरटेल और वीआई जैसी कंपनी, जिनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि एजीआर जस्ट ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर वाला जो मैटर है दोस्तों, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इनकी हालत खराब हो चुकी। दोनों ही कंपनी को 90,000 करोड़ से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे चुकाना है एजीआर। एयरटेल जैसे तैसे करके दे देगा, वीआई की हालत बहुत खराब है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से ही दोस्तों कंपनियां यहाँ पे कर रही है कि हम टेरिफाई करेंगे, और यहाँ पे एयरटेल ने वीआई ने अपने प्लान 60% तक कर दिए कुछ। लेकिन अब दोस्तों बात चल रही है, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का एक दावा था कि आने वाले दिसंबर तक, बस आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत जल्दी 40-50% का हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन ये 40-50% तो दोस्तों सीधे ठीक है, मतलब 100 रुपये का प्लान 140 रुपये हो सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल ने पहले ही दोस्तों डीओटी को एक अप्रूवल के लिए दोस्तों रिक्वेस्ट करी थी, उनसे परमिशन मांगी थी कि जल्द से जल्द भारत के अंदर आपको ट्राई को और डीओटी को एक ऐसा कानून ला देना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, मिनिमम फ्लोर प्राइस, जहां पे वोडाफोन आइडिया की डिमांड थी कि 1 GB डेटा की कीमत जो फिलहाल 5-6 रुपये चलती है, इसको आप 35 रुपये कर दीजिए 1 GB। जो कोडिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, पर मंथ आपको अनलिमिटेड ही मिलेगी, लेकिन उसका फिक्स प्राइस कर दीजिए कि 150 या 125 रुपये आपको कॉलिंग का देना पड़ेगा, कॉलिंग फिर आपको अनलिमिटेड मिलेगी। मैसेज उसने भी आपको फिक्स मैसेज कर दीजिए कि इतने मैसेज आपको मंथली मिलेंगे, ज्यादा मैसेज करने तो आपको कुछ अलग पैसा लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से, खास करके डेटा, क्योंकि ज्यादातर आप डेटा यूज करते हैं, कॉलिंग वोलिंग तो ठीक है, लेकिन डेटा दोस्तों 5-6 रुपये की जगह 35 रुपये, यानी 5 गुना महंगा करने की बात चली थी, 5-6 गुना। और अगर फ्लोर वाइज आ जाएगा तो आपके प्लान 5 गुना महंगे, जो आप 100 रुपये का प्लान यूज़ करते हैं वो 500 रुपये हो जाएगा, 400 यूज़ करते हैं 2000 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों बात चल रही थी। फिलहाल दोस्तों ये पूरी की पूरी गेंद थी, पूरी की पूरी बाजी थी, यहाँ पे ट्राई के हाथ में थी, ड्यूटी के हाथ में। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर निकल गई कि फ्लोर प्राइस नहीं आएगा। फिलहाल के लिए तो ट्राई ने क्लियर कर दिया कि फ्लोर प्राइस नहीं आएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नो टेरिफ फ्लोर प्राइस दोस्तों, यहाँ पे अंडर ट्राई कंसिडरेशन दोस्तों, ट्राई ने क्लियर बोल दिया कि कोई फ्लोर प्राइस यहाँ पे नहीं आने वाला। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ट्राई इज नॉट कम्प्लीमेंटिंग एनी मूव टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर मोबाइल टेरिफ। मोबाइल टेरिफ के लिए कोई फ्लोर प्राइस हम यहां पे लेके नहीं आने वाले, एंड वुड कंटिन्यू टू कीप प्राइसिंग अंडर द प्रोविजंस। जो प्राइसिंग चल रहा है कंपनियां लेके आ रही खुद के हिसाब से, वो वैसा ही करेगी, हम किसी भी तरह का इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, फ्लोर प्राइस नहीं लाएंगे। ये इन्होंने पहले भी कहा था, क्योंकि इस तरह से कंज्यूमर सेंट्रिक ये प्लान नहीं होगा, मतलब लोगों के लिए नुकसान हो सकता है अगर सरकार ये कानून बना दे फ्लोर प्राइस के लिए। वी आर नॉट कंसीडरिंग टेरिफ फ्लोर प्राइसिंग सिंस द मूव मे बी नॉट बी कंज्यूमर फ्रेंडली। कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगा अगर हम फ्लोर प्राइस ला देंगे, 5 गुना महंगा हो जाएगा। कंपनियां तो बोल देगी सरकार का कानून है, कंपनी तो चटक जाएगी, लेकिन यहां पे हालत खराब हो जाएगी सरकार की। ट्राई सोर्सेस कंडीशन एनोनिमिटी दोस्तों यहां पे बता दिया, उनका नाम तो नहीं आया ट्राई के जो भी बंदा है यहां पे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि ट्राई फिलहाल यहां पे फ्लोर प्राइस लाने की कंडीशन में नहीं है। द रेगुलेटर हैज इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट टेक एनी डाइवर्जेंट व्यू टू द मैटर सिंस द हेड ऑलरेडी डिक्लाइन द डिमांड फ्रॉम द टेलको ऑपरेटर्स। भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया दोनों ने पहले दोस्तों आने वाले 3-4 महीने पहले से इन्होंने बोल दिया था कि फ्लोर प्राइस लाओ तो हम बच पाएंगे, हमारी हालत खराब है, हमें हमारा जो एआरपी है वो जो 100-150 रुपए के बीच में है, इसे हम 200-250-300 करना चाहते हैं, इसके लिए फ्लोर प्राइस चाहिए। डेटा जो 5 रुपए में दे रहे हैं उसको 35 कर दो 25 कर दो, तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इससे इनकी इनकम बढ़ेगी और टेलीकॉम सेक्टर में जान आएगी, ऐसा इन कंपनियों का दावा था। और दोस्तों यहां पे उन दोनों ही कंपनी ने यहां पे बोला था ट्राई को, लेकिन उन्होंने पहले ना बोल दिया था। बिलियनेयर मुकेश अंबानी दोस्तों उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, फ्लोर प्राइस जो है वो रास्ता नहीं है और ये जरूरत भी नहीं,
चाहिए फिलहाल, क्योंकि ये जो होगा कंपटीशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, जो चल रहा है उसको वैसा ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने क्लियर बोला था, और यहाँ पे सीओआई ने दोस्तों या सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके पहले राजन मैथ्यूस हुआ करते थे उसके डीजी, उन्होंने यहाँ पे सरकार को डीओटी को पत्र लिख के बोला था कि आपको फ्लोर प्राइस मार्केट में लाना चाहिए, अगर वो आएगा तभी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बच सकेंगे, खर्च सके। वोडाफोन आइडिया प्राइस बढ़ाओ और तभी कंपनी बचेगी। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो है ट्राई फ्लोर प्राइस नहीं लाने वाला दोस्तों, ट्राई फ्लोर प्राइस नहीं लाने वाला। इसका मतलब फ्लोर प्राइस फिलहाल नहीं आने वाला, तो आने वाले हो सकता है 6-8 महीने की बात हो, लेकिन फिलहाल फ्लोर प्राइस नहीं आएगा। उन्होंने क्लियर कर दिया है ये कंज्यूमर के लिए हित में नहीं होगा, अगर फ्लोर प्राइस हम ला देते हैं तो जो आपके प्लान है हकीकत में, जो आपको 1 GB डेटा रोजाना मिलता है और आप एक महीने के अगर आप यहाँ पे 200 रुपये देते हैं, तो वही सेम चीज़ अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आपको 5 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। डेटा की कॉस्ट 35 रुपये तक हो सकती है, 25 रुपये भी अगर हो जाती तो भी 5 गुना हो जाता दोस्तों, 3 से 4 गुना 5 गुना। फिलहाल फ्लोर प्राइस नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन कंपनियां दोस्तों एयरटेल और वीआई जैसी कंपनी बहुत जल्द 40-50% आपका हाइक कर सकती है। लेकिन वो ठीक है, 40-50% हाइक करना और एक फ्लोर प्राइस में 5 गुना 500% बढ़ाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है और वो कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 40-50% करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना तो कंपनियां करने वाली जो आने वाले कुछ ही महीने में आपको देखने मिलेगा, लेकिन फ्लोर प्राइस फिलहाल नहीं आने वाले। सबसे बड़ी अपडेट थी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, इसी बात पे एक थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल है को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पे, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली की वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।